पर्यटन नगरी धर्मशाला के इंडोर स्टेडियम में प्रदेश के पहले धर्मशाला टूरिज्म फेस्ट का शुभारंभ कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के सांसद किशन कपूर ने किया। प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में बढ़ोतरी के लिए होटल एसोसिएशन अपर धर्मशाला द्वारा पर्यटन विभाग के सौजन्य से इसका आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के सांसद किशन कपूर ने कहा कि हम भले ही छोटे हैं लेकिन हमारी खूबियां बहुत ज्यादा हैं। कपूर ने कहा कि जैसा वातावरण धर्मशाला का है वैसा दुनिया में कहीं भी नहीं है। धर्मशाला ऐसा क्षेत्र है जहां स्नो लाइन शहर के समीप है। धर्मशाला खूबियों से भरा है लेकिन पर्यटन की दृष्टि से इसका जितना प्रचार प्रसार होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया है। इस दौरान होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सांसद का स्वागत भी किया। कपूर ने कहा कि होटल एसोसिएशन अपर धर्मशाला का प्रयास बढ़िया है जिससे ये सफल भी होगा। जिला कांगड़ा और चंबा में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश में कई स्थल ऐसे हैं जो पर्यटकों से अनछुए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल कलरफुल राज्य है और उम्मीद है कि लोग यहां को और निहारने पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि धर्मशाला में ऐसी जगहें भी हैं जहां देश के कोने कोने और विदेश से भी पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। सोलन में पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने इस मौके पर हिंदी भाषा के घटते महत्व पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि देश को आजादी दिलवाने में हिंदी ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी और आंदोलन की भाषा भी हिंदी थी। जब देश आजाद हुआ तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अंग्रेजी को त्याग दिया था लेकिन भारतवासी आज उसका त्याग नहीं कर पाए हैं। जिसके चलते अगर देखा जाए तो गांधी के शब्दों में आज भी आजादी अधूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में हिंदी के प्रति हीन भावना देखी जा रही है जो चिंता का विषय है। शांता कुमार ने कहा कि वे सूबे के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को आग्रह करेंगे कि हिंदी का वनवास खत्म किया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कहा कि हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा अधिवेशन सोलन में आयोजित कर हिमाचल को गौरवान्वित किया गया है। अधिवेशन के माध्यम से उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आग्रह किया कि वे संघ की आधिकारिक भाषाओं में हिंदी को भी स्थान दिलवाने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि हिमाचल के मुख्यमंत्री से भी वे अपील करेंगे कि वे प्रदेश में हिंदी को व्यवहारिक भाषा का दर्जा दें। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के जाने के बाद भी उनकी याद अंग्रेजी को भी मिटाना जरूरी है। प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री भाजपा के वरिष्ठ नेता शांता कुमार ने शाहीन बाग की बिगड़ती स्थिति को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की राजधानी दिल्ली में जो भी घटनाएं घट रही हैं उसके लिए शासन प्रशासन और न्यायिक व्यवस्था सभी जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की स्थिति भारत में नहीं आनी चाहिए थी। ये घटना देश के लिए बेहद खतरनाक है और उसके लिए बदनुमा दाग है। उन्होंने ये भी कहा कि इस घटना के पीछे जो भी लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता शांता कुमार ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि भारत में सभी को अपनी बात कहने का हक है लेकिन क्या किसी को भी ये इजाजत नहीं दी जानी चाहिए थी कि वह सार्वजनिक स्थान पर बैठकर लंबा धरना दे सके, जिसके लिए केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और पुलिस सभी जिम्मेदार हैं। उन्होंने न्यायिक प्रणाली पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि न्यायालय का कार्य न्याय करना होता है लेकिन भारत में पहली बार उनके द्वारा समझौता भी करवाया जा रहा है जो बेहद शर्मनाक है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की राजधानी दिल्ली में कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो भड़काने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजधानी में इतनी बड़ी घटना हो रही थी तो इसकी जानकारी गुप्तचर विभाग और पुलिस को पहले होनी चाहिए थी।